हेलो माय ओल्ड डियर गाइस, यू आर वेलकम टू द ब्लॉग। दोस्तों आज का यार ब्लॉग नहीं होने वाला है, मेरे को यार कंजक्टिवाइटिस हो चुका है और पूरे घर में हो गया है। साथ ही आप में से किस किस को हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं फुल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि कंजक्टिवाइटिस होने के बाद कैसा फील होता है एंड आंखों में क्या होता है, ऐसा रेड रेड शो होती है एंड क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, लक्षण बताऊंगा साथ में सावधानियां भी बताऊंगा। यार कंजक्टिवाइटिस बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन इतनी भी खतरनाक नहीं है कि इससे हमें कुछ नुकसान होगा। यह 3 से 4 दिनों के लिए रहता है, तब मिनिमम यह ठीक हो सकता है 3 दिनों में। इसका नाम मैं बता देता हूँ, मेन नाम जो है इसका कंजक्टिवाइटिस है एंड पिंक आई फ्लू है। दूसरा हम देखे तो एक आई इन्फेक्शन जो बोला जाता है, पिंक आई इन्फेक्शन इसको हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों इसकी सावधानी अगर हमें रखें, पहले तो इसको हम जानते हैं, ये जैसे हमें हम इसके शिकार हो चुके हैं, शिकार कंजक्टिवाइटिस के हम होने के बाद क्या क्या ये कैसे फैलता है एंड हमें अंदर से कैसी फीलिंग होती है। देखिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, अभी भी मेरे को कंजक्टिवाइटिस है, अगर आप आंखों में देखेंगे तो रेड रेड आपको शो होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस मेरे को कल हो गया था। तो दोस्तों आज 6 अगस्त है, कल 5 अगस्त को मुझको कंजक्टिवाइटिस सुबह हो गया था। ओके, तो कंजक्टिवाइटिस जैसे ही मुझे हुआ था तो वोटरी जो रहती है हमारे आंखों से एक पीली पीली आपने देखा ही होगा बहुत सारों को, या फिर आपको भी कभी ना कभी, जिसको बोला जाता है आंख आ जाना, जैसे आंख आ जाती है तो पीली पीली वोटरी हमारे आंखों से निकलती है। स्टार्टिंग में यह ऐसा होता है हमारे साथ, वोटरी भयंकर तरीके से पूरे दिन निकलती है स्टार्टिंग डे पे। उसके बाद आज सेकंड डे है मेरा, कंजक्टिवाइटिस अभी भी है, आंखें लाल हो चुकी है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि खुजली होगी यार, खुजली हो रही है। और यार इंडिया में तो बहुत तेजी से फैल चुका है कंजक्टिवाइटिस एंड हमारे फैमिली में पूरे घर में हो चुका है कंजक्टिवाइटिस, परिवार में भी है एंड पड़ोसी आस पड़ोस में भी है। तो कंजक्टिवाइटिस होने के बाद आंखों से वोटरी निकलती है फर्स्ट डे। सेकंड डे अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे आपको ऐसा फील होगा आंखें हमारी बंद रहती है और नुकीली, जैसे कोई नुकीली चीज हमारे आंखों में चुभा रहा है, ऐसा हमें लगता है। सेकंड फिर हम बात करते हैं कि वोटरी जो निकलती है वो एक दिन के बाद वोटरी निकलना बंद हो जाती है एंड दोस्तों उसके बाद सेकंड डे क्या होगा, आपकी आंखें सूज जाएगी, सूज जाएगी। लेकिन ऐसी डरने की बात है ही नहीं, कंजक्टिवाइटिस है, हाथ लगाने से हो जाता है, लेकिन आपको आंखों में हाथ नहीं लगाना। सबसे पहले बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि हमारे सेकंड डे में क्या होता है, हमारी आंखें सूज जाती है, हमारी आंखें सूज जाती है एंड सूजने के बाद दर्द करती है, खुजली लगती है हमें आंखों में, जैसे मन ऐसा होता है खुजा ले, आंखों को खुजा ले। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण की बात करते हैं, जैसे आंखें लाल हो जाती है। सेकंड अगर बात करें, आंखों से वोटरी आती है, वोटरी निकलती है यानी कि आंखों से पानी निकलता है, आंखों में जलन होती है और आंखों में दर्द होता है, साथ ही सूज जाती है आपकी आंखें। तो यह कंजक्टिवाइटिस के गुण है, कंजक्टिवाइटिस के लक्षण है। ओके, अब सावधानी अगर हम बरतना चाहें तो सावधानी हमें वैसे बरतनी है, जिसको भी कंजक्टिवाइटिस हो गया सबसे पहले तो उसके जो तौलिए है, तौलिया जिसको तकिया बोला जाता है, तकिए को दूर कर दें और उनके बिस्तर अलग कर दें। अगर एक आदमी को घर में हुआ है तो बिल्कुल, वह अगर आंखों में हाथ लगाएंगे बार बार तो हमारे हाथों में कीटाणु आते हैं, कंजक्टिवाइटिस वायरस आता है एंड हाथों से चिपक जाता है। अब हम किसी से हाथ मिलाएंगे और वह सामने वाला अपनी आंखों में उन हाथों को लगा लेगा तो उसको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। और अगर आप बार बार हाथ धोएंगे, आपने उनसे हाथ भी मिला लिया बाय चांस, तो आपको सामने वाले को कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा। अब हम इसकी सावधानी देख लेते हैं, यार बहुत सारे पॉइंट है इसकी सावधानी, तो मैंने एक लिख लिए है कॉपी में, एक तरह से मैंने स्क्रिप्ट बना लिया क्योंकि याद नहीं आते हैं इतनी जल्दी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, आपको अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो सबसे पहले अपने हाथों को बार बार धोए, जिससे क्या होगा, अगर आप आंखों में हाथ लगा लेते, वैसे आंखों में बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगाना है। सबसे पहली सावधानी यही है, अगर आप बार बार हाथ लगाएंगे तो आप कई चीजों को टच करेंगे, अपने पर्सनल चीजों को टच करेंगे और वापस उसे उठाएंगे, लाइक मोबाइल सबसे बड़ी बात हो गई। आंखों में हाथ लगाने के बाद आप अपने मोबाइल को उठाएंगे तो आपका आपको जो ये आपका जो वायरस है बार बार अगर वो हटने का भी रहेगा तो वापस से चिपक जाएगा। तो आपको सबसे पहले आंखों में हाथ लगाना ही नहीं है, आपको अगर खुजली भी चले तो आंखों में हाथ नहीं लगाना है। दूसरी बात करें, हाथ बार बार आपको धोना है, अपने हाथों से आंखों को साफ ना करें, ठीक है। जैसे आपको वोटरी निकल रही है, आप क्या करेंगे हाथों से, यार मतलब आपको तो
आपको ही आया है ना कंजक्टिवाइटिस, आपको ही हुआ तो वो आप उसे गिन तो करेंगे नहीं, तो आपको क्या करना, अपने आंखों से हाथों से आंखों को साफ नहीं करना, आपको एक रुमाल ले लेना है जो कि हल्का रुमाल रहना चाहिए, या टिश्यू का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, टिश्यू का आप इस्तेमाल करें जिससे आपकी आंखों में भी चुभन ना होगी, और या फिर अच्छा एक कपड़ा, नॉर्मल कपड़ा ले लीजिए जो कि चुभने वाला ना हो, और बिल्कुल हाथ और आंख दोनों की आपको दुश्मनी करवा देनी है। ठीक है, बात करते हैं रोजाना अच्छे से नहाए। देखिए बहुत सारे क्या रहते हैं कि नहाते नहीं है, बहुत सारों को तो यार यूं कह के हम बीमार हो गए हैं हमको नहीं नहाना। अगर हम एक और लक्षण की बात करें, कंजक्टिवाइटिस अगर हमें हो जाता है तो बुखार टाइप भी लगता है, जी घबराहट होता है, या यार मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को 2 दिन में ही पता चल गया है कंजक्टिवाइटिस क्या है, लेकिन मिनिमम आप 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएंगे, 3 से 4 दिन में, और मैक्सिमम 8 दिन, ठीक है 8 दिन में आप आराम से ठीक हो जाएंगे। सावधानी पढ़ लेते हैं, सबसे पहले रोजाना आपको अच्छे से नहाना है, आंखों को रगड़ने से बचें, आंखों को बिल्कुल ना रगड़ना है आपको, है ना, नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आंखों को पोंछने के लिए टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करना है, पर्सनल थिंग्स उनको दूसरों को शेयर ना करें, आपके घर में किसी को ना दें अगर कंजक्टिवाइटिस के आप शिकार हो चुके हैं। और स्विमिंग से बचे, स्विमिंग करने आपको नहीं जाना है, डॉक्टर से सलाह लें, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है। तेज रोशनी से बचे, अगर तेज रोशनी आपकी आंखों में पड़ जाती है तो सबसे पहले आपकी आंखें दर्द करेगी, तो तेज रोशनी से बचे। ओके, तेज रोशनी जब आपकी आंखों की तरफ पड़ती है तो रोशनी की तरफ आपको देखना नहीं है, ठीक है, नीचे मुंह कर लीजिए। और एक एक्सपीरियंस मैं बताऊं, जब भी मैं भगवान की पूजा करता हूं, जैसे ही पैर पड़ने जाता हूं तो यार एकदम से मतलब आंखें इतनी जलन करती है, दुखने लगती है, आप झुक के देखना अगर आपको भी कभी कंजक्टिवाइटिस हो जाए। मैं नहीं चाहता कि यार किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाए, क्योंकि यार 3 दिन के लिए हम ना तो कुछ देख पाते हैं अच्छी तरीके से और दर्द महसूस होता है। अब और देखिए इसके बचाव की बात कर लेते हैं यार लास्ट, हम जिसको भी आई फ्लू हो जाता है कोशिश करें उसके कॉन्टेक्ट में आप ना आए, ठीक है, कॉन्टेक्ट में आने से बचें, बिल्कुल दूर रहें। और जो आपके कपड़े रहते हैं, कपड़े और तौलिया या फिर बिस्तर जो रहते हैं उनको उनसे आप दूरी बनाकर रखें, जिसको भी कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो अपने अलग से बिस्तर रखें, ठीक है, और अपने कपड़े बार बार धोएं, जैसे आपने किसी को हाथ लगाया तो उसको धोकर पटक दें, ठीक है। ये कुछ बचाव के लिए पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, और संक्रमित व्यक्ति हाथ बार बार धोए, ठीक है, हाथों को आपको बार बार धोना है। चलिए तो कंजक्टिवाइटिस कुछ ये था, और यार इंडिया में तो बहुत ज्यादा फैल रहा है, अब हम काम की बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों यही यार आज मैं इन्फॉर्मेशन बना रहा था, क्योंकि यार मेरे को कंजक्टिवाइटिस हो गया था एंड व्लॉग में शूट नहीं कर रहा था, अभी आप देख सकते हैं आंखें लाल हो रही है। अब 3 दिन मिनिमम होते हैं कंजक्टिवाइटिस ठीक होने के। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा एक भांजा है जो कि अपने फैमिली में चला गया था, कोई ले गए थे, अंकल की लड़की ले गई थी, भांजे को ले गए। आप जिसे अगर ऐसा सोचते हैं बच्चों को नहीं होता है, तो बच्चों को भी भारी तरीके से कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। मेरे दोनों भांजे एंड भांजी दोनों को हो चुका है कंजक्टिवाइटिस, एक भांजा ठीक हो गया है, भांजी को एक आंख में है। मेरे को भी पहले एक आंख में हुआ था और आज दूसरी आंख में वोटरी निकली, और फिर अब आंखें सूज गई है दोनों। अब बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा, कल तक मेरे को लग रहा है कि ठीक हो जाऊंगा, वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हो सके तो भगवान पर भी विश्वास रखें, लाइक आपको भोलेनाथ के पास जाना है, जल को झेलना है हाथों में एंड वही अपने आंखों में लगा लेना, तो ये कुछ हमारे ईश्वर के प्रति भावना रहती है, तो उससे भी हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। बाकी आपने, आपको भी कंजक्टिवाइटिस हुआ है या फिर आपने देखा है किसी को होते हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। ऐसे यार वैसे मैं व्लॉगिंग शूट करता हूँ इस चैनल पर, तो व्लॉग्स आएंगे। अब चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।